क्योंकि यहाँ जवाबी का कार्यक्रम रखा गया है, जवाबी कीर्तन का भी कार्यक्रम है, जिसमें की दो मार्दियां भाग ले रही हैं। आज हमारे बड़े भैया श्री आदरणीय श्री रमेश चंद्र अटल जी, श्री रमेश चंद्र अटल फरीदपुर बरेली, और हमारे दूसरे भैया श्री राजवीर यादव जी संजय नगर बरेली। बड़ा ही सुंदर सा कार्यक्रम आप सुनेंगे, जवाबी मुकाबला होगा, बड़ा धुआंधार होगा। पर मैं जानता हूं कि शुभारंभ जो कार्यक्रम का हुआ है, वो श्रद्धांजलि से हो जाए, बस ये इसलिए मैंने सोचा कि पहले दो तीन की श्रद्धांजलि गुरु जी को हो जाए। और भी अन्य कलाकार पधारने वाले हैं, क्योंकि हमारी बरेली की एक समिति बनाई गई है, रोहिल खंड जवाबी कीर्तन समिति बरेली, के सभी सम्मानित संतगण भी पधारने वाले हैं, कुछ लोग आ भी चुके हैं। बस केवल दो गीत मेरी ओर से है, एक आदरणीय मेरे अपने गुरु जी के लिए और एक मेरे नंगे बाबा का जो दरबार लगा है उनके लिए। हेलो, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, इसमें धुन बताने की आवश्यकता पड़ती नहीं हम लोगों को। फिर मैं आपको थोड़ा सा इशारा करके बता दे रहा हूं, कि हमें और जीने की चरणों में ये 21 रुपया लाए हैं, हमेशा कल्याण रहे। हमने क्या लिखा है क्या
जी मेरे गुरुवर प्रकाश भैया, उनकी श्री चरणों में जो गंगा बह रही है उसी का मैं चरणागत करता आया हूँ, चरणागत करता ही रहूंगा। जैसे सुमन अपने दिल की बात अपने गुरु अपने इष्ट से कहना। कैसे कैसे
हूँ कभी कभी, इतनी हिम्मत कहाँ है? आने वाले तो आप बैठे हैं। और ये 11 रुपया हमारे चाचा जी चंद्र, और ये हेलो, ये 11 रुपया अभी प्रदर्शन होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये 11 रुपया सरस्वती पटेल जी की ओर से मिला है माँ के चरणों में, गुरु जी के चरणों में। हमेशा कल्याण होता रहे इनका भी। आई नंगे बाबा की जो मजाक आप देख रहे हैं, ये हरदोई के रहने वाले हैं, हमारे गुरु जी लेके आए खेल के लिए। आदरणीय मेरे गुरुवर ने ही इनका है स्थान यहाँ बनाया, और आज भी यहाँ के लोग इनको पूछते हैं, इनकी कृपा सब पे रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नंगे बाबा का दरबार है, क्योंकि मैं तो इनको मानता था, मानता हूँ, मानता ही रहूंगा जीवन। क्या आई कि कुदरत ने सनम तो से? जब से मैं यहाँ आया तब से आपकी कृपा मुझ पर बहुत बनी। बुरा है और बुराई पे जो आ जाए वही इंसान बुरा है। बुरा है।
क्या बात है, मुझे मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कभी किया किया। हाँ की सूरत में उनकी सूरत मुझे नजर आती है,
जितने कलाकार यहाँ पर विराजमान होते हैं उन सभी की सूरत में मुझे अपने गुरु की सूरत नजर आती है। प्रणाम आइए, स्वागत है आपका भी। और विराजमान कुर्सी भी आगे अंदर होगी तो लो। और जिनको अपनी सहमति अपना कर लीजिए कौन किधर शुरू करेगा, ये आपकी डिपेंड है, इसमें कोई चॉस वॉस नहीं हुआ है।